नमस्कार, घरेलू नुस्खे मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बच्चों के पेट में होने वाले कीड़े के बारे में। जब बच्चों के पेट में छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं, यानी जिन्हें चुभने भी कहा जाता है, तो बच्चा बड़ी तकलीफ में हो जाता है और बच्चा बता भी नहीं पाता है बहुत बार, और उसके पेट में दर्द होता है या उसे गुठली होती है, वो बहुत परेशान होता है। तो उन कीड़ों को दूर करने के लिए, या वो कीड़े हो ही ना, उसके लिए हम ऐसे क्या नुस्खे घर में अपना सकते हैं जो बच्चे को पसंद भी आएंगे, बच्चा उन चीजों को यूज भी कर लेगा और उसके पेट में कीड़े होंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बात कर रहे हैं बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों के बारे में। ये कीड़े बच्चों के पेट में हो जाते हैं, बच्चा किसी भी एज का हो तब भी हो जाते हैं, और अगर थोड़ा बच्चा बड़ा भी होता है ग्रोइंग एज में तभी भी हो जाते हैं। कीड़े किसी को भी हो जाए, लेकिन पेट के कीड़ों का निवारण घरेलू नुस्खों से ज्यादा अच्छा और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को बहुत अधिक बाजार की दवाई भी दी नहीं जा सकती। लेकिन जो घर में हमारी दादी नानी या हमारी माँ किया करती थी, वो तो ऐसी चीजें हैं कि उनको कर लेने से कोई नुकसान होगा ही नहीं, और पेट में कीड़े हैं तो मर जाएंगे और नहीं है तो होंगे ही नहीं। तो हमें करना क्या है, आपको सबसे पहले एक बिल्कुल ऐसा जबरदस्त मैं आपको नुस्खा दे देती हूँ कि टमाटर, टोमेटो जो है सब बच्चों को पसंद आता है। सुबह सुबह खाली पेट एक टमाटर लीजिए, किसी भी साइज का, छोटा है बड़ा बच्चा आप उसे अकॉर्डिंग ले लीजिए। टमाटर बड़ा भी ले सकते हैं छोटा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टमाटर हमेशा फायदा ही देता है। उसके दो पीस बीच में से कर लीजिए और उसके दोनों ओर नमक लगा दीजिए, और बच्चे को खाली पेट वो टमाटर खिलाना शुरू करिए। एक दिन, दो दिन, आपको फर्क तो एक ही दिन में दिखेगा, दो दिन, तीन दिन, चार दिन आप खिलाइए, टमाटर में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पेट में से कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अजमा कर जरूर देखिएगा, ये नुस्खा जरूर अजमा कर देखिएगा, ये बहुत कारगर है। मतलब हम लोग भी अपने परिवार में करते चले आ रहे हैं, बहुत असर करता है। उसके अलावा एक चुटकी हींग, सिर्फ एक चुटकी हींग आप बच्चे को सुबह सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से या सादे पानी से खिला दीजिए, बिल्कुल कीड़े मर जाएंगे। एक लौंग लीजिए और उसे एक कटोरी पानी में बॉईल कीजिए, तो उबलने के बाद वो पूरा कटोरी पानी रह जाएगा, जितना बच्चा मतलब पी सकता है आसानी से। उसको छान लीजिए और उसके बाद उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर बच्चे को पिला दीजिए। कीड़े होंगे ही नहीं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा रो रहा है, पेट में दर्द है, तकलीफ है। वैसे कीड़े होने के लक्षण भी मैं आपको बता दूं, आप कैसे पहचानेंगे। जब छोटा बच्चे के सोते समय मुंह में से लार निकलने लगती है, तो आप जान लीजिए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। चाहे उसे तकलीफ नहीं भी हो रही है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इसके पेट में कीड़े होने लगे हैं या है। पतले वाले जो कीड़े होते हैं, कभी कभी बच्चे के यहाँ होठों के दोनों तरफ जो होता है ये पोर्शन जो है वो सफेद सफेद होने लगता है, आप जान लीजिए कि बच्चों के पेट में कीड़े होने लगे हैं। और यदि बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे खुजली होती है या जलन हो जाती है, तो भी आप जान सकते हैं कि इसको कीड़े हैं। और उस अवस्था में आपको मैंने तीन चीजें बताई हैं। सबसे पहले खाली पेट टमाटर आपको काट के नमक लगा के खिलाना है, या एक चुटकी हींग आपको सुबह सुबह खाली पेट देनी है, या एक लौंग उबाल के पानी को ठंडा करके शहद मिलाकर खाली पेट दे दीजिए। आप ये देखिएगा कि पेट में कीड़ों का बिल्कुल, चाहे वो बिल्कुल पतले वाले कीड़े हो, चाहे वो चूरने हो, चाहे वो कैसे भी, और बच्चा किसी भी एज का हो, सबको आराम मिलेगा। इतने जबरदस्त नुस्खे है ये घरेलू जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल अजमाए हुए नुस्खे हैं। नुकसान का तो खैर कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन फायदा आपको पहले ही दिन से दिखाई देगा, जरूर अजमा। तो आशा करती हूँ ये नुस्खा आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे नुस्खे के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।